हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो प्रोजेक्ट होता है, केमिस्ट्री का जो बेसिकली नोट्स होता है क्लास 11th का, उसी को हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। और इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो आता रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट जो केमिस्ट्री में सबसे पहले जो बताया जाता है क्लास 11th में, पीरियोडिक टेबल को बताया जाता है। आपको बोर्ड पे टीचर पढ़ाते हैं पीरियोडिक टेबल को, उसको आपने आपको आप क्या करते हो, कॉपी में नोट करते हो। तो उसी चीज को जो कॉपी पे नोट कर रहे हो, उसको डिजिटल वे में कैसे आप बना सकते हो, उस चीज को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है सबसे पहले, तो ऐसे ही हूबहू अभी बनाएंगे। इसका पार्ट टू आएगा तो उसमें इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन होंगे, ठीक है। तो हम लोग पार्ट टू जब बनाएंगे तब की बात है, अभी पार्ट वन है। प्रोजेक्ट नंबर 1 केमिस्ट्री का वो पार्ट वन वीडियो है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या होगा, इसको बनाने के लिए कैसे क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इंसर्ट टैब में आ जाना और पेज को ब्रेक कर लो यहाँ से, राइट। अगला पेज पे आ गए और दूसरा नंबर पेज पे ही हमको इसको बनाना है। सबसे पहले मेरे को इसको बनाना है, ये वाला। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम होम टैब पे आ जाते हैं और इसे हम लोग सेंटर में लिख देते हैं, ठीक है, राइट। हमने सेंटर में लिखा और सेंटर में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पीरियोडिक टेबल में लिख लूंगा। मैं ऐसे कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, ठीक है। लिखने में थोड़ा समय लगेगा, समय क्या लगेगा यार, जल्दी हो जाएगा, लेकिन मेरे को लिखना नहीं है, मेरे को पीरियोडिक टेबल ऐसे लिख देता हूँ। ऐसे करके मैं यहाँ पे सेंटर में कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दूंगा, राइट। और यहाँ पे देखो लाइन स्पेसिंग थोड़ा बना रहा है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिखने इसको करने से पहले मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्लियर एक बार कर लेता हूँ, क्लियर, राइट। क्लियर करने के बाद वो क्या होता है, जो भी सारे उसके ऊपर वाला पेज पे अप्लाई रहता है वो सभी चीजें हट जाती है, ठीक है। अब हमने क्लियर कर लिया। और एक और तरीके से हम लोग सेंटर में बीचों बीच लिख सकते हैं, बेसिकली आप आ जाना यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पे, ठीक है। इंसर्ट टैब में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगी और यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉ कर लेना, राइट। हाँ, ये सब जो वीडियो है पहले बन चुका है, आप देख सकते हो। मैं 12 से ही बनाऊंगा यहाँ से, राइट। और ऐसे मैं ड्रॉ कर लूंगा, राइट। और इसके अंदर मैं जो कॉपी किया था उसे पेस्ट कर दिया है, सेंटर में ही लिखेगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर अप्लाई किया है, ठीक है, सॉरी सेंटर, राइट, हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि इसका जो है हमारे को कलर भी देना पड़ेगा, तो सेप पे आ जाएंगे और यहाँ पे सेप फिल से आके और यहाँ से हम कुछ भी कलर दे देंगे, राइट। हमने कलर दिया और यहाँ पे आउटलाइन जो ब्लैक में दिख रहा है उसको हटाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे आउटलाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे नन कर लेंगे, राइट। और यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो बोल्ड, ये थोड़ा पतला है, तो होम पे आके हम बोल्ड कर लेंगे, राइट। चलो काम खत्म, यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नीचे की तरफ आ जाएंगे, राइट। नो, नीचे की तरफ नहीं आना है, आपको क्या करना है कि बेसिकली ये हो गया ना। अब यहाँ पे अब आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब पे आओ और टेबल के अंदर आ जाओ और यहाँ से आप इंसर्ट कर लो टेबल, राइट। टेबल आपको कितना चाहिए ये आपको गिनना पड़ेगा बेसिकली, तो मैं देखता हूँ कितना मेरे को टेबल चाहिए। मेरे को टेबल चाहिए आपका कॉलम में कितना चाहिए, रो में कितना चाहिए, ये सब थोड़ा गिन गिन लीजिएगा। मैं गिन के यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 50 60 70 80, 80। और एक और चाहिए मेरे को 90, यानी कि 90 ठो चाहिए, यानी 19 ठो, तो मैं 19 ठो ले लूंगा। और रो में हमको 60, 60 एक 8 ठो चाहिए, 8 ठो चाहिए, ठीक है। तो मेरे को चाहिए 90 और 8, ठीक है। तो मैं इंसर्ट टैब में आता हूँ, तो 90 मेरे को कॉलम चाहिए, ठीक है, कॉलम जो है 90 चाहिए और रो जो है हमको हमको चाहिए 8, ओके। और ये रो कॉलम क्या होता है वो सभी चीजें हमने बता चुका, वो सभी चीजें हम बता चुके हैं, आप उस चीज को देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो है नीचे आ गया, तो इसको हम मूव कर लेंगे ऊपर की तरफ थोड़ा, राइट। और इसको जो है हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करेंगे, डबल क्लिक कर लो, ओके, राइट, हो गया। मैं अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करते हैं,
सब थोड़ा सेटिंग होता है तो थोड़ा मोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ मूव कर लेता हूँ, राइट। ऐसे प्रकार करके मैं नीचे की तरफ शिफ्ट बटन के साथ इसको मूव कर लूँगा नीचे की तरफ, बस राइट हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं पीरियोडिक टेबल आखिर मेरा गया कहाँ पे, कहीं पे छुप गया। कंट्रोल जेड करते हैं, ओके चलो ठीक है। हम लोग इतना पे अभी रहने देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सेटअप करेंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हमको 1 2 देना पड़ेगा क्योंकि पहले पीरियोडिक टेबल में 1 2 होता है। तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, उसके बाद नीचे 2 लिखूंगा, तो इसमें समय लगेगा। हम इसमें क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इसको हम डिलीट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐसा कर्सर बनेगा, ऐसे पकड़ लो और शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो को क्लिक कर, राइट ओके। एक छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि ऊपर वाला एक छोड़ना पड़ेगा, 7 ठो ही सिर्फ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर लिया 7 ठो और 8 नंबर ऊपर वाला छोड़ दिया, और नंबर्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे 1 2 ले लेंगे, राइट। चलो हो गया। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इधर से आप जो कंटेंट है वो सब पुट करते चले जाओ। बेसिकली मेरे को ये कंटेंट लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मारूंगा, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल भी, ठीक है राइट। ऐसे ही करके मैं सभी को कॉपी पेस्ट मार देता हूँ, आप भी मार देना, ठीक है। ओके और यहाँ पे मैं खुद से लिख लेता हूँ हीलियम, ठीक है। हीलियम का 2 यहाँ पे 2 करके मैं एंटर बटन हिट करता हूँ, तब जाके मैं हीलियम लिखूंगा एच ई। देखो यहाँ पे कुछ समझ लो, बेसिकली मैं 2 यहाँ से डिलीट करके मैं दिखा देता हूँ कैसे लिखना है आपको। मैं हीलियम और ये दोनों को डिलीट, सॉरी 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 सॉरी, मेरे को इसके अंदर कंटेंट डिलीट करना है। डिलीट बटन प्रेस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हीलियम तो सबसे ऊपर नंबर को लिखना है, तो हीलियम का 2 और एंटर हिट करना, ना कि आप यहाँ पे डाउन एरो क्लिक करोगे तो दूसरे सेल में आ जाओगे। तो यहाँ पे क्या करना है, एंटर बटन हिट करना है। तो यहाँ पे आपको हीलियम लिख लेना है और नीचे वाला डाउन एरो पे क्लिक करके एरो का सिंबल, और यहाँ पर नेक्स्ट जो है यहाँ पे कितना नंबर है, 10 नंबर। तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा और एंटर हिट करूंगा और नियोन कर लूंगा एनी, ठीक है। ऐसे करके मैं लिख के और बस हो गया काम खत्म। अब सेकेंड नंबर क्या है, इसको डिजाइन भी करना पड़ेगा। डिजाइन करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो अगला जो भी चीजें है वो सभी चीजें पुट कर लेता हूँ, ठीक है। कहाँ से क्या होगा वो सभी चीजें हम लोग पुट कर लेते हैं, ठीक है। इसके नीचे भी एक और बनेगा, बट थोड़ा देर वेट करो, उसको भी बना दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 4 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेसिकली। तो इसको लिखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि देखो ये जो है हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, 1 2, ठीक है ये ठीक है शायद, ओके। तो मेरे को इसको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग पुट कर लेते हैं, तो पुट कैसे होगा, अब जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिख दिया 1, अगला जहाँ भी हो वहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, वहाँ से वहाँ तक। तो मेरे को यहाँ पे लग रहा है हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन पे था, ओके। तो ये हाइड्रोजन पे यानी कि 1, और इसके बाद हमारा जाएगा 2 3 4। तो इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल में देख के इसको सेटअप करेंगे, ठीक है। इसको हमको समझ में इधर अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल, अगला जो वीडियो आएगा, पीरियोडिक टेबल अभी हमारे पास नहीं है तो इसका कुछ दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, अभी के लिए। बाद में इसको सेटअप करेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम हुआ सेकेंड नंबर। अब ये इक्वल ऐसा बनाना पड़ेगा मेरे को इस प्रकार से, कैसे बनेगा है? अब ये डिजाइन बेसिकली इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सब रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से, है कि नहीं, सेल को। तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके सेलेक्ट करूंगा ऐसे, ठीक है। और बेसिकली अब ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा,
पहले आप ऐसे सेलेक्ट करो और इस वाले कॉलम को पहले डिलीट कर लो, हटा लो इसे कॉलम को। तो ऐसे सेलेक्ट मारो, ये सेलेक्ट आपका होगा राइट अवे, ये आपका सिलेक्शन बनेगा। ओके और इससे आप क्या करो, टेबल के अंदर जाके सॉरी लेआउट के अंदर जाके और यहाँ से डिलीट करो और डिलीट में लिखो डिलीट कॉलम, सॉरी सॉरी डिलीट कॉलम सभी सेलेक्ट आ गया। ओके चलो हम यहाँ पे सिर्फ रखते हैं और लेआउट पे चल जाते हैं और यहाँ से मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो डिलीट में मेरे को क्या करना है, रो करना है ना, तो रो मैं डिलीट करूँगा राइट। हो गया चलो ये हो गया। अब सेकेंड नंबर ये जो अलग अलग दिख रहा है ना, तो इसको हमको सेटअप करना पड़ेगा ठीक है। तो ये पूरे को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे ठीक है, ये पूरे को राइट। और इसको मैं क्या करूँगा, होम टैब में नहीं, बेसिकली यहाँ से ही होगा मिडिल राइट। हो गया चलो ये काम खत्म। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि बेसिकली अब ये सब डिलीट करना पड़ेगा है कि नहीं, तो इसे हमको मर्ज कर देते हैं सबसे अच्छा। आप इरेज करके भी कर सकते हो ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इरेज करोगे तो वो भी इनफ हो जाएगा, वो भी अच्छा रहेगा। तो मैं मर्ज ही कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं मर्ज करूँगा। तो मैं मर्ज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेल मर्ज, ओके मर्ज कर दिया ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक ठीक है, और इसके नीचे वाला भी मर्ज करना पड़ेगा। चलो सेलेक्ट कर लिए, अब यहाँ पे मर्ज सेल राइट। हो गया अब सेकेंड नंबर आपको क्या करना है कि ये इरेज करना पड़ेगा बेसिकली। अब ये इरेज कर सकते हो या नहीं, तो आप यहाँ से बेसिकली कहाँ से टेबल के अंदर आ जाओ और यहाँ से आप बॉर्डर के अंदर आ जाओ और यहाँ से टॉप साइड क्या करो, रिमूव कर लो, टॉप साइड को क्या करोगे, हटा लोगे बेसिकली। इंसर्टिंग टॉप लेफ्ट राइट, एक काम करते हैं यहाँ पे हम इरेजर यूज कर लेंगे, टेबल के अंदर जाओ इरेजर ले लो और यहाँ से ऐसे इरेज कर दो राइट, और इसको भी आप यहाँ से इरेज कर दो। चलो हो गया काम खत्म। अब क्या करोगे, इसको भी आपको डिलीटेड करना पड़ेगा, तो इसको डिलीट ना करना, इसको सेल को छुपा दो राइट, तो इरेजर को छोड़ो, काम खत्म। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा एरो बनेगा तो ऐसे आप इसको सॉरी इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो ठीक है, और सॉरी 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 यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐसे एरो से, ऐसे सेलेक्ट करो और ऐसे 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 ठीक है, यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट कर लो ठीक है राइट। और लेआउट पे रहना ठीक है, लेआउट पे नहीं बेसिकली टेबल के अंदर जाओ और टेबल डिज़ाइन के अंदर जाके और यहाँ से बॉर्डर में नॉन बॉर्डर करके देखो, सॉरी नॉन बॉर्डर नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो बॉटम साइड को हटा लो राइट। अब इसके बाद और भी हटाओ टॉप साइड को, चलो टॉप साइड, इसके बाद आप क्या हटाओ, टॉप साइड हट गया, लेफ्ट साइड भी हटा दो, चलो हट गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा बेसिकली, यहाँ पे अब कर दो राइट साइड से हट नहीं हटेगा ठीक है। अब हमको एक एक करके बॉटम में हटाना पड़ेगा ठीक है, तो हम एक एक करके भी हटा देंगे कोई बात नहीं है, चाहे आप चाहो तो ऐसे सिलेक्शन रखो और देख लेते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, बॉटम साइड बॉटम बॉटम बॉटम, चलो हट गया। अब ऐसे इसको भी आप हटा सकते हो ठीक है, फिर से एक बार और क्लिक करो, नहीं होगा, फिर से आ जाएगा बॉटम, यहाँ से हम बॉटम हटा लिए हैं राइट। अब इस वाले पे आ जाएंगे, यहाँ पे कर्सर मेरा यहाँ पे रहेगा, सॉरी सॉरी यहाँ पे जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, टॉप साइड भी हटाओ और यहाँ से बॉटम साइड भी हटा लो, टॉप और बॉटम दोनों हटा लो तो हट जाएगा। फिर यहाँ पे भी आप क्या करो, ऐसे एरो बना लो और ऐसे सेलेक्ट करो और यहाँ से भी आप टॉप साइड को हटाओ, सबसे पहले बॉटम भी हटा दो और यहाँ पे टॉप तो हटा ही है, टॉप पहले से ही हटा हुआ है ठीक है, अगर फिर से क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा।
हम यहाँ पे सिक्स नंबर पे आके ऐसे सिक्स को सिलेक्ट कर लेंगे और टॉप और बॉटम दोनों हटा देंगे, टॉप भी हट जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हमने क्या किया और राइट साइड लगा दिया। चलो यहाँ पे हम टॉप भी हटा देंगे और सॉरी बॉटम भी हटा दिया और टॉप भी हटा देंगे। चलो हट गया। चलो ये बन गया आपका पीरियोडिक टेबल का मतलब डिजाइनिंग नॉर्मल। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इसे हम जंक्शन से जंक्शन बार से यानी कि पूरे को सेलेक्ट करते हैं और होम टैब पे आके इसको सेंटर कर लेते हैं। ओके राइट, चलो सेंटर हो गया। अब सेकेंड नंबर आपको करना क्या है कि यहाँ पे अब कलर का मैचिंग करना पड़ेगा, तो हम इसको दे देते हैं एक कलर। बेसिकली हम थोड़ा दूसरा कलर देंगे, तो हाइड्रोजन में हम जो है कलर दे देते हैं, अपने अकॉर्डिंगली सेट करते हैं यहाँ पे कलर। जो कलर जो है कलर डिजाइन के अंदर जाके शेडिंग के अंदर टेबल डिजाइन के अंदर जाके और शेडिंग से आपको कलर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कलर आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेना, मैं ये कलर दे देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगला कलर जो दूंगा ये लिथियम सोडियम को, तो इसको भी मैं दे देता हूँ। मैं आता हूँ नीचे और यहाँ से लेकर नीचे तक आपका सेम कलर होगा, तो मैं नीचे यहाँ तक सेम कलर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सेम कलर दे देता हूँ। ओके राइट, चलो ये सही चलेगा। उसके बाद अगला जो कलर है मेरा वो येलो है, तो मैं येलो ही दे दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला यहाँ से लेकर नीचे तक येलो है, तो मैं येलो येलो दे दूंगा। शायद यहाँ तक नीचे तक येलो है ना, सेकेंड वाले में नहीं, सेकेंड वाले में तो आपका था। ओके, सेकेंड वाले में भी सेम कलर है, तो कुछ अलग कलर दे देते हैं यहाँ से हम। सेकेंड वाले में ये दे देते हैं। ओके, बैटरी भी लो हो चुकी है, सेकेंड वाले में हम दे देते हैं ये। ओके, और कलर कलर कॉम्बिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बैटरी लो हो चुका है मेरे और इसको चार्ज करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लास को स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।